डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्लानिंग के इस टॉपिक का आखिरी एक पॉइंट चर्चा करेंगे, जिसे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग या नियोजन की सीमाओं के नाम से पुकारा जाता है। सीमाओं का अर्थ ऐसी परिस्थितियां हैं या वो कंडीशंस हैं जिनमें योजना बनाए जाने के बाद भी हम अपेक्षित परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाते, वो योजना हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करवा सकती। ऐसा कई कारणों से हो सकता है और इसे ही हम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग या नियोजन की सीमाओं के नाम से पुकारते हैं। ये सीमाएं क्या हो सकती हैं? इसमें पहला बिंदु है विस्तृत नियोजन से आंतरिक और प्रशासनिक लोचहीनता का आ जाना। नियोजन एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कैसे कार्य किया जाए, कब किया जाए, किसके द्वारा किया जाए, इस सब के बारे में मार्गदर्शन देता है। लेकिन किसी कार्य को करने के लिए बहुत विस्तृत नियोजन कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में यह नियोजन नहीं रह करके कठोर अनुशासन या नियमों में तब्दील हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में जबकि किसी तरह की कोई लिबर्टी वर्कफोर्स के पास में नहीं रहेगी तो उसे अपना काम करने में कई तरह की परेशानी आती है, लोचहीनता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम इस योजना के माध्यम से किसी भी उद्देश्य को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अत्यधिक विस्तृत नियोजन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है नियोजन का अत्यधिक खर्चीला होना। प्लानिंग करने के लिए बहुत सा समय, श्रम, शक्ति लगती है। हमें कई सारी सूचनाएं एकत्र करनी होती है, सेकेंडरी डेटा उपलब्ध करने होते हैं, फ्यूचर किस तरह का होगा इससे फॉरकास्ट करना होता है, और इसी तरह के कई सूचनाओं के संग्रहण के बाद ही हम किसी योजना का निर्माण कर पाते हैं। और इसीलिए नियोजन करना एक अत्यंत खर्चीला कार्य होता है। जो संस्थाएं छोटी है, जहां पर बजट सीमित है, वे बहुत अच्छा नियोजन नहीं कर पाती, क्योंकि ये समय, शक्ति और श्रम का व्यय करने वाला कार्य है। और इसीलिए कई बार कहा जाता है कि दीर्घकालीन नियोजन एक विलासिता है, क्योंकि हम लंबे समय के लिए अगर कोई नियोजन करें और परिस्थितियां बदल जाए तो वो नियोजन बेफालतू किया हुआ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए आज के समय में कोविड की जो परिस्थितियां पैदा हुई है, इसने काम करने के प्रचलित तरीकों को पूरी तरह से बेकार कर दिया और नई तकनीक आधारित कई सारे कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इस वक्त हमारी क्लास भी ऑनलाइन क्लास मोड के आधार पर चल रही है। वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इस प्रकार नियोजन बहुत अधिक खर्चीला होता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन करना होता है, इसीलिए दीर्घकालीन नियोजन को विलासिता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी सीमा है शीघ्र निर्णयन के अवसरों पर इसका अनुपयुक्त होना। कभी कभी आपातकाल या ऐसी परिस्थितियां जिनमें तत्काल कोई निर्णय लेना हो, वहां पर नियोजन कर पाना संभव नहीं होता है और नियोजन स्वतः असफल हो जाता है। जैसे अचानक युद्ध की घोषणा हो जाए, अचानक से कोविड का हमला हुआ, ऐसी परिस्थितियों में हम किसी तरह की कोई योजना नहीं बना सकते और हमें तुरंत आवश्यक कार्रवाई ही अमल में लानी होती है। चौथा पॉइंट है आपातकाल और आकस्मिक घटनाओं के समय भी इसका अनुपयुक्त होना, यही चर्चा हमने अभी की थी। और अंतिम बिंदु है पहलपन की समाप्ति, अर्थात कोई व्यक्ति इनिशिएटिव लेकर के किसी काम को अपने तरीके से संस्था हित में करना चाहे तो विस्तृत नियोजन के कारण से उसे इस तरह की लिबर्टी नहीं मिल पाती।
जब व्यक्तियों को कार्य करने में स्वतंत्रता नहीं होती है, वे स्वेच्छा से संस्था हित में अपनी कुशलता से काम करने से रोके जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पहलपन की समाप्ति हो जाएगी। और किसी संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों में पहलपन का अभाव है, तो वे अच्छे परिणाम नहीं दे सकेंगे। अतः हमें बहुत सोच समझ कर नियोजन करना चाहिए और नियोजन करते समय इन सीमाओं का पूरा ख्याल रखना चाहिए।